लिसनिंग स्किल, ये इसका छठवां हिस्सा है, सिक्स्थ पार्ट है, इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का महत्व क्या है? लिसनिंग का महत्व यह है, ए गुड लिसनिंग इज एन आर्ट दैट कैन बी कल्टिवेटेड। मतलब एक अच्छी जो सुनने की क्षमता है उसको जो है पैदा किया जाता है, अपने अंदर उत्पन्न किया जाता है, सीखा जाता है। ए गुड लिसनर इज जनरली इंटरेस्टेड इन व्हाट द स्पीकर हैज टू कन्वे। एक अच्छा सुनने वाला जो है उसको वो जो है रुचि लेता है कि वक्ता क्या संदेश हमको कन्वे करने जा रहा है, क्या हमको करने कर जा रहा है। ए गुड लिसनर नोज हाउ टू प्रॉम्प्ट, प्रॉड, परसुएड बट नॉट कट आर इंटरप्रेट व्हाट द अदर पर्सन हैज टू से। एक अच्छा सुनने वाला जो होता है वक्ता को जो है वो इशारा करता है कि हाँ हम सुन रहे हैं, हाँ हूँ, ऐसे कुछ करता है, कुछ सुन रहे हैं, और साथ में वो कुछ छेड़खानी भी करता है, उसको कोंचता भी है कि जिससे वो और बातें बताए और उसको आग्रह भी करता है कि आप इस विषय को और अच्छे से हमको समझाइए। लेकिन वो किसी भी तरह से वक्ता का जो वक्तव्य है उसको कट नहीं करता है और ना ही जो है कोई बाधा पहुंचाता है, इंटरप्ट भी नहीं करता, बाधा नहीं पहुंचाता, बल्कि उसका फ्लो बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो दे सके, इसके लिए जो है वो ये करता है। मतलब कि प्रॉम्प्ट करता है, प्रॉड करता है, परसुएड करता है, ये सब अच्छा लिसनर करता है। ए पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स इन मेकिंग लिसनिंग इफेक्टिव। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जब होता है श्रोता का तो वो जो है बोलने वाले को इनकरेज करता है कि आप अच्छे से बोलिए, हम इसको सुन रहे हैं। तो इसके चार महत्व में चार कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है लिसनिंग स्किल्स आर कल्टिवेटेड। मतलब जो लिसनिंग जो स्किल है इसको अपने अंदर पैदा किया जाता है। The development of listening skills at various levels is very essential for business success. किसी भी कारोबार की सफलता के लिए जो है अलग अलग विभागों में अलग अलग स्तर पर जो है सुनने की कला आनी चाहिए। Progressive organizations encourage the people within टू लर्न एंड एडॉप्ट एक्टिव लिसनिंग। जो अच्छा जो कार्य कर रहे हैं, प्रगतिशील जो संगठन हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनका विस्तार हो रहा है, ऐसे संगठनों को प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। वो अपने लोगों को संगठन के अंदर एक्टिव लिसनिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप ध्यान से सुनो कस्टमर क्या कह रहा है, या हमारे जो साथी हैं वो क्या कह रहे हैं, आपके साथी क्या कह रहे हैं, या अधिकारी क्या कह रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनो। वो सिखाते हैं एक्टिव लिसनिंग को, वो सिखाते हैं, ये इस तरफ होता है। और इसका दूसरा जो पॉइंट है बिजनेसेस थ्राइव ऑन लिसनिंग। मतलब जो कोई भी कारोबार हो सुनने से वो बढ़ता है, फूलता फलता है। जो कोई भी कारोबार कोई भी हो, चाहे वकालत हो, चाहे डॉक्टरी पेशा हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो नेतागिरी का हो, सामाजिक कार्य का हो, कोई भी हो, उसको सुनने से जो है वो कारोबार बढ़ता है। There is so much that is happening that need to be shared. दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जिसको शेयर करने की ज़रूरत है, जिसको आपस में साझा करने की ज़रूरत है, और साझा आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर लिसनिंग स्किल होगी। हमारे जो मूलवासी बहुजन हैं वो सुनते सुनते झगड़ा करने लगते हैं, और हमारे जो नेता लोग हैं वो सुनते ही नहीं हैं। हमारे जो नेता लोग हैं वो सुनते नहीं, कहते बैठ जाओ, हमको समझ में आ गया। मतलब इस तरह की बात करते हैं। तो लिसनिंग हमारे मूल्यवासी बहुजन में है ही नहीं, ये है। पीपुल हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड देयर स्किल्स। लोगों को ज़रूरत है कि अपने नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करते रहो। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी प्रोफेशन हैं, चाहे वकालत का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, या कोई आईटी इंडस्ट्री का हो, या सामाजिक कार्य हो, या राजनीतिक कार्य हो, ये सब के लिए जो है नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करना चाहिए। और एक्टिव लिसनिंग जो है ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इस काम में। जो जिसके पास एक्टिव लिसनिंग नहीं है उसका कारोबार निश्चित रूप से प्रभावित होता है। कभी कभी लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, यही शिकायत करते हैं कि हमारा नेता हमारा सुनता ही नहीं,
हमारा सुनता ही नहीं। जैसे अभी झारखंड का इलेक्शन हुआ, झारखंड के इलेक्शन में क्या है, बार बार यही बात आ रही कि हमारा वहाँ का जो मुख्यमंत्री था वो कार्यकर्ताओं की सुन ही नहीं रहा था, इसलिए पार्टी हार गई, इसलिए पार्टी हार गई। तो मतलब ये जो है लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। तीसरा है लिसनिंग कंट्रीब्यूट्स टू, थर्ड है लिसनिंग कंट्रीब्यूट्स टू नॉलेज अपग्रेडेशन, मतलब जो लिसनिंग है उससे जो है नॉलेज अपग्रेड होता है, उससे अपग्रेड नॉलेज जो है अपग्रेड होता है। वन एरिया वेयर लिसनिंग स्किल्स आर बिकमिंग पर्टिकुलरली रिलीवेंट कंसर्न्स द सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिसनिंग स्किल की ज़रूरत होती है। अब सर्विस इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं रेलवे होता है, रोडवेज होता है, एयरवेज होता है, इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री है, मतलब जहाँ भी सर्विस का जैसे सामाजिक कार्य है, राजनीतिक कार्य है, यहाँ पर लिसनिंग का बड़ा महत्व है, लिसनिंग का बहुत महत्व है। इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेसेस इन्वॉल्व पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शंस, मतलब इन सब कामों में जो है हर व्यक्ति से जो है इंटरेक्शन होता है, आपस में बातचीत होती है, उसके जरिए ये कारोबार जो है आगे बढ़ता है। क्वाइट ऑफन द प्रोडक्ट इज नॉट स्टैंडर्डाइज, मतलब बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका कोई स्टैंडर्ड पर वो नहीं बनते हैं, बल्कि कस्टमर जैसा कहता है वैसे बनाया जाता है, इसको कहते हैं टेलर मेड, मतलब वो टेलर मेड होते हैं। तो अगर आप कस्टमर की नहीं सुनोगे तो वो जैसा चाह रहा प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट नहीं दे सकते हो, उस तरह के आप जो है सर्विस नहीं दे सकते हो। सामाजिक कार्य के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है, एक्टिव लिसनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशंस विच मेक ए कॉन्शियस एफर्ट इन दिस रिगार्ड आर डिस्क्राइब्ड एज लिसनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब वो संगठन जो कि बहुत प्रयास करते हैं सुनने का, मतलब इस कला में बहुत प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम एक्टिव लिसनिंग करें, हमारे लोग करें, तो उसको लिसनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उसको लिसनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उसको लिसनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और चौथी जो बात है चौथी जो इसमें जो बात आती है वो आती है लिसनिंग ऑर्गेनाइजेशन से लिसन सिंसियरली। जो लिसनिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सिंसियरली जो लिसन करते हैं, सिंसियरली जो है लिसन करते हैं। सजेशंस विल बी मोर फोर्थ कमिंग व्हेन पीपल इन अथॉरिटी लेंड ए पेशेंट ईयर, मतलब कि वो जो सजेशंस दिए जाते हैं संगठन, जो सजेशन दिए जाते हैं आयर हायर जो अथॉरिटी होता है, अगर वो उसको सुनता है तो बहुत ज़्यादा कारोबार को फायदा होता है, बहुत ज़्यादा फार होता है। द कस्टमर्स ऑफ टूडे टीक सीक रीअश्योरेंस दैट दे आर बींग हर्ड, दे आर बींग हर्ड, मतलब आज का जो कस्टमर है वो चाहता है कि जो जिससे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, वो हमारी बात को सुने। अब जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे नेता लोग हमारी बात को सुने, लेकिन जो सुप्रीमो तानाशाह जो हमारे मूल्यवासी बहुजन में बैठा हुआ है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की सुनता ही नहीं है, जो सुनता ही नहीं, तो उसके पास एक्टिव लिसनिंग नहीं है, ना तो कार्यकर्ताओं के पास एक्टिव लिसनिंग है और ना ही नेता के पास एक्टिव लिसनिंग है। तो ये जो हमारा जो मूल्यवासी बहुजन का जो नेतृत्व फेल कर रहा है, या संगठन टूट रहा है, फूट रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका कारण यही है कि एक जो लिसनिंग स्किल है वो हमारे कार्यकर्ताओं में भी नहीं है, हमारे नेताओं में भी नहीं है। अब नेता सुप्रीमो तानाशाह बने हैं, तो वो तानाशाह सुप्रीमो किसी कार्यकर्ता की सुनते नहीं हैं, उनके पास कोई लिसनिंग स्किल नहीं होती है, लिसनिंग स्किल नहीं होती है।